अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत मज़ेदार सा चिकन स्प्रेड आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास 4 eggs हैं, सबको बस चॉपर में डालना है। ये तकरीबन आधा सीना है, ठीक है। उसके साथ डालेंगे हम 1/2 teaspoon काली मिर्च। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, 1 teaspoon वाइट पेपर, 1 teaspoon चिकन पाउडर, 1 teaspoon शुगर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 50 grams के करीब बटर, 3/4 cup या 1 cup मायनीज, 3 or 4 slices चीज, ठीक है। इन सबको हम पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे और उसके बाद ये स्प्रेड निकाल के आप फ्रिज में रख दीजिए। 1-1.5 हफ्ते के लिए बेहतरीन है, आराम से सहरी में, अफ्तारी में या 10-11 बजे जब भूख लगती है, आपने 2 slices लगाए, चाहिए तो खीरा टमाटर लगा लीजिए, चाहिए तो ऐसे ही कर लीजिए और इसका आप सैंडविचेस आराम से बना लें। तो हम जा रहे हैं इसको ग्राइंड करने और फिर हम ये डालेंगे इसमें 2 से 3 tablespoons क्रीम। इसको एक दफ़ा फिर ब्लेंड करेंगे। अब इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, ये बारीक हो चुका है, मैं निकालती हूँ और आपको स्प्रेड दिखाती हूँ। ये देखें स्प्रेड बन गया, अच्छा स्मूथनेस देखें स्प्रेड की कितनी है, ये देखें क्या जबरदस्त स्मूथ है। लगाइए मज़ेदार सा, इसको कट कीजिए ना। ये देखिए छुरी इस तरह की होती है जो डबल रोटी काटने वाली होती है, आम छुरी से नहीं काटते डबल रोटी, उससे डबल रोटी दब जाती है। ठीक है ना, उसके बाद फिर से 1 cut हम और देंगे ताकि जिसने जितना लेना हो वो उतना ले, ये वेस्ट ना हो। और स्लाइस लगा के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए 2 tablespoons के करीब लिया और कितना अच्छा थिक बन रहा है। लगाने के लिए ना कोई मायनीज की ज़रूरत है कि ये लगाओ वो लगाओ, ये रखा पहले से स्लाइस नहीं कट कीजिएगा, फिनिशिंग नहीं आती है, बाद में हमेशा इसलिए कट करते हैं जिससे फिनिशिंग आती है ब्रेड में, एक दूसरे पर लेवल आ चुका होता है ना, फिर उसके बाद आप काटें तो ये बहुत अच्छा कटता है, ठीक है ना। ये देखिए देन ये देखिए 4 slices से कितने सैंडविचेस, और अभी तकरीबन इसमें 4 से 5 दर्जन सैंडविच और बनेंगे इसी साइज़ के।